मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी अपेक्षाएं हैं। मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूं। बुरा नहीं लगेगा ना? आपको लगेगा ये कैसा प्रधानमंत्री है, हम नौजवानों से मांग रहा है। साथियों, मैं आपसे ये नहीं मांग रहा हूं कि आप मुझे चुनाव जिता देना। साथियों, मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाइए। साथियों, मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है, जो है वो देश का है, देश के लिए है। और इसलिए मैं आज आपसे कुछ मांग रहा हूं, देश के लिए मांग रहा हूं। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में आप युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन स्वच्छाग्रह एक दो दिन का इवेंट नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है, इसे हमें आदत बनाना पड़ रहा है। और इसलिए 2 अक्टूबर को पूज्य बापू की जन्म जयंती से ठीक पहले 1 अक्टूबर को स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में होने वाला है। आप सभी युवा साथियों को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए मैं आपसे मांग कर रहा हूं। करेंगे पूरा, पक्का करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी भी लगेगी, आप कोई एरिया तय करके पूरी तरह क्लीन करके रहेंगे। मेरा दूसरा आग्रह है, डिजिटल लेन देन को लेकर है, यूपीआई से जुड़ा है। आज पूरी दुनिया डिजिटल भारत की, यूपीआई की इतनी प्रशंसा कर रही है, ये गौरव भी आपका है। आप सभी युवा साथियों ने इसको तेजी से अपनाया भी और फिनटेक में उससे जुड़े अद्भुत इनोवेशन भी किए। अब इसके विस्तार की, इसको नई दिशा देने का दायित्व भी मेरे नौजवानों को ही उठाना होगा। क्या आप तय करेंगे कि मैं कम से कम 1 सप्ताह में 7 लोगों को यूपीआई ऑपरेट करना सिखाऊंगा, यूपीआई से काम करना सिखाऊंगा, डिजिटल लेन देन सिखाऊंगा? करेंगे? देखिए, देखते ही देखते बदलाव शुरू हो जाता है दोस्तों। साथियों, मेरा आपसे तीसरा एक आग्रह और मेरी मांग है, वोकल फॉर लोकल को लेकर है। साथियों, इसको आप ही आगे बढ़ा सकते हैं। अगर एक बार आपने इसको हाथ में ले लिया ना, दुनिया फिर रुकने वाली नहीं है, मान लीजिए दोस्तों। क्योंकि मेरा आपकी ताकत पर भरोसा है। आपको अपनी ताकत पर भरोसा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे है। देखिए, ये समय त्योहारों का है, आप प्रयास करें कि त्योहारों में गिफ्ट देने के लिए जो भी आप खरीदारी करें वो मेड इन इंडिया हो। अपने जीवन में भी
आग्रह करें दोस्तों, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करें, उन्हीं प्रोडक्ट को उपयोग करें जिसमें भारत की मिट्टी की खुशबू हो, जिसमें भारत के श्रमिकों के पसीने की महक हो, और वोकल फॉर लोकल का यह अभियान सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं एक काम बताता हूं, आप करेंगे? होमवर्क के बिना तो क्लास होता ही नहीं है, करेंगे? कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है। आप अपने परिवार के सब लोगों के साथ मिलकर के कागज पेन लेकर के, या तो फिर मोबाइल पर लिखते हो तो मोबाइल पे सूची बनाइए कि आपके घर में जिन चीजों का आप उपयोग करते हैं, 24 घंटे में जिन जिन चीजों का आप उपयोग करते हैं, उसमें कितनी हमारे देश की है और कितनी बाहर की है, बनाएंगे सूची? आपको पता भी नहीं होगा कि आपके जेब में जो कंघा है ना, कंघी, वो भी कभी विदेशी आ गई होगी, पता नहीं होगा। ऐसी ऐसी चीजें विदेशी हमारे घर में, हमारे जीवन में घुस गई हैं, देश को बचाने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे देश में जैसी चाहिए वैसी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम आग्रह से देखें कि भाई जरा तला से तो कहीं गलती तो नहीं हो रही है। एक बार मेरे देश में बनी हुई चीजें मैं खरीदना शुरू करूंगा ना, तो आप देखना दोस्तों, हम इतनी तेजी से हमारा उद्योग व्यापार बढ़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। छोटा छोटा काम भी बड़े बड़े सपने पूरे करता है। साथियों, हमारे कैंपस भी वोकल फॉर लोकल के बहुत बड़े सेंटर हो सकते हैं। हमारे कैंपस सिर्फ पढ़ाई के नहीं बल्कि फैशन के भी सेंटर होते हैं। क्यों, अच्छा नहीं लगा? कोई डे मनाते होते तभी होता है क्या? है, आज रोज डे है। क्या हम खादी को, भारतीय फैब्रिक को कैंपस का फैशन स्टेटमेंट नहीं बना सकते? आप सभी युवाओं में ये ताकत है, आप मार्केट को, ब्रांड्स को, डिजाइनर्स को अपनी तरफ मोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में अनेक कल्चरल फेस्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज होती है, उसमें हम खादी से जुड़े फैशन शो करा सकते हैं। हम अपने विश्वकर्मा साथियों, हमारे आदिवासी साथियों के शिल्प को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, भारत को विकसित बनाने का रास्ता है। इसी रास्ते पर चलते हुए हम बड़ी संख्या में रोजगार निर्मित कर सकते हैं। और आप देखिए, ये जो तीन छोटी छोटी बातें मैंने बताई है, आपके सामने जो मैंने कुछ मांग रखी है, आप एक बार देख लेना आपको कितना फायदा होता है, देश को कितना फायदा होता है, किसको कितना फायदा होगा, जरूर देखिए। मेरे नौजवान साथियों, अगर हमारा यूथ, हमारी नई जनरेशन एक बार ठान लेना, तो इच्छित परिणाम मिल ही जाता है।